सो हेलो गाइस, ये है गॉड फोर्स एजुकेशनल राउंड का एडिटोरियल। प्रॉब्लम बी देख रहे हैं अभी हम। तो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको कोई भी इस चैनल पर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब भी ना करें मत जाना। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम हमें गिवन है एक एरे, एन लेंथ का परम्यूटेशन होगी, वो 1 to n नंबर्स होंगे उसमें, यूनिक किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। हमें उस एरे को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और हम परफॉर्म कर सकते हैं फॉलोइंग ऑपरेशन, जिसमें हम एक सब एरे को सेलेक्ट करेंगे और उस सब एरे में एलिमेंट्स को रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, बस एक लिमिटेशन है इस ऑपरेशन की कि ये पूरे एरे पे नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अगर पूरे एरे पे लगा देंगे तो एक ऑपरेशन में ही पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट में तो सॉर्टिंग भी आता ही है। तो ये देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमें एक एरे गिवन है, a1 a2 a3 an। अब हमें करना है इसे सॉर्ट, तो एक चेक तो हम पहले ही लगा लेंगे कि भाई इनिशियली सॉर्टेड है या नहीं है। तो जीरो ऑपरेशन में वो हमारा आंसर हो जाएगा अगर इनिशियली ही सॉर्टेड है। अदरवाइज मैं पूरे को तो सेलेक्ट कर नहीं सकता, वरना एक ऑपरेशन में हमारा आंसर हो जाता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लॉन्गेस्ट सब एरे a2 to an, या तो मैं a2 to an सेलेक्ट कर सकता हूँ या तो a1 to an-1। ठीक है, तो अब यहाँ पर बहुत सारे केस बनेंगे कि भाई अगर मान लो मेरा a1 जो है वो 1 है, ठीक है, तो मैं a2 to an सेलेक्ट करूंगा और एक ऑपरेशन में इस सब एरे को सॉर्ट कर दूंगा, और अगर मेरा a1 1 था तो मेरा आंसर 1 हो गया, 1 ऑपरेशन। ठीक है, अदरवाइज अगर ये नहीं है तो मैं चेक करूंगा कि भाई मेरा an है क्या। अगर मेरा an जो है वो n है, तो मैं a1 to an-1 सब एरे सेलेक्ट करूंगा और फिर से 1 ऑपरेशन में उसे सॉर्ट कर दूंगा। an पे तो n था ही, आंसर आ गया। ठीक है, अब दोनों नहीं है तो यानी कि a1 1 नहीं है एंड an n नहीं है। इस केस में क्या हो सकता है, तो इस केस में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो a1 n हो और a n 1 हो। ठीक है, मतलब a1 ऐसे करके का अगर एलिमेंट्स में लिखूं यहां पर, तो यहां पर n है और यहां पर 1 है। तो इस केस में क्या होगा, 1 को मेरे को a1 पर लेके आना है, तो मैं सबसे पहले इस एलिमेंट के साथ लॉन्गेस्ट सब एरे जो है a2 to an ये सेलेक्ट करूंगा, 1 को a2 पर लेके आऊंगा सॉर्ट करके, फिर a1 to an-1 सेलेक्ट करूंगा और इस 1 को उसकी सही पोजीशन पे ले आऊंगा। फिर मेरा यही वाला केस हो गया कि a1 पे 1 था, तो एक ऑपरेशन में अब और कर दूंगा। तो 1 को मेरे को a1 पे लाने में कितना ऑपरेशन लगे, 2। पहले तो an को मैं बीच में कहीं पर लेके आया, फिर उसके बाद a1 पे लेके गया, तो 2 ऑपरेशन + 1 ऑपरेशन यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3 इस केस में। ठीक है, अगर ये भी केस नहीं है तो अदरवाइज मेरा 1 और n जो है, अगर मैं यहाँ पर बना के देखूं a1 a2 a3 ऐसे कुछ है an-1 an, तो मेरा 1 और n जो है एलिमेंट वो यहीं कहीं है, 2 से n-1 के बीच। ठीक है, a1 पे और an पे नहीं है, वो वाला केस ये था। ठीक है, मतलब 1 या n कोई ना कोई बीच में है, दोनों हो उससे मेरे को मतलब नहीं है, कोई ना कोई बीच में है। तो मैं जो भी होगा उस पूरे को सेलेक्ट करूंगा, अगर मान लो 1 बीच में होगा तो a1 to an-1 सेलेक्ट करूंगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, और फिर मैं वही एक ऑपरेशन परफॉर्म करके आंसर आ जाएगा, 2 ऑपरेशन टोटल। अगर मान लो n बीच में है तो मैं a2 to an सेलेक्ट करूंगा, n को an पे लेके जाऊंगा और फिर से मैं एक ऑपरेशन में आंसर, तो इस केस में 2 आंसर हो जाएगा। तो अपना आंसर है तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, बस ये 4 केस बनेंगे। तो काफी आसान था ये, इसका कोड देख लेते हैं फटाफट। तो कोड कुछ ऐसे है कि मैंने इनपुट लिया एरे में, और मैंने एक बूलियन रखा है कि इनिशियली सॉर्टेड है या नहीं उसको चेक करने के लिए। यहाँ पर इनपुट लिया, अगर इनिशियली सॉर्टेड है तो 0, अदरवाइज अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट 1 है या लास्ट एलिमेंट n है तो एक ऑपरेशन में सॉर्ट कर दूंगा लॉन्गेस्ट सब एरे सेलेक्ट करके,
अगर मेरा ये वाला केस है कि भाई एक्सट्रीमिटीज पे दूसरे दो ऑपोजिट नंबर पड़ेंगे, एक पे एन पड़ा है वन पे और एनथ पोजीशन पे वन पड़ा है, तो तीन लगेंगे मेरे पास ऑपरेशन, अदरवाइज मेरे को दो ऑपरेशन लगेंगे। तो काफी सिंपल सा कोड था, ठीक है।